हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस पार्ट में हम देखेंगे टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और काफ़ी फेवरेट्स भी है एग्जामिनर्स का। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग ये कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ लें। ओके, लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी स्टूडेंट, सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं। पहला जो है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और इसके लिए जो सिंबल यूज होगा स्टूडेंट, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। ये जो सिंबल है स्टूडेंट, कौन सा सिंबल है? ये इनफाइनाइट का सिंबल है। इसे हम इंडिविजुअली जब देखेंगे तब हम समझ के लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने सिंबल भी साइड साइड में लिखा हुआ है, और जब इंडिविजुअली करेंगे तो हम ये सिंबल किस किस लिए यूज़ हुआ है, क्यों आया हुआ है ये सिंबल, वो हम समझेंगे। नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल टू जीरो। ईडी इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे ईडी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो कितना होगा स्टूडेंट? वन होगा। नेक्स्ट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, हियर ईडी वैल्यू ऑफ ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। एंड लास्टली रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, वे वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। ओके स्टूडेंट, तो ये टोटल पांच टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ओके, अब आपको ये याद रखना है यूनिटरी मतलब वन। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे वर्ड इन इलास्टिक आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिमांड जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा। प्राइस के चेंज होने की वजह से जितना डिमांड चेंज होना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब डिमांड अच्छा खासा चेंज हो गया, इन इलास्टिक मतलब डिमांड चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, या फिर जितना होना चाहिए उतना चेंज नहीं हुआ, उससे कम हुआ। ठीक है, तो इन इलास्टिक का मतलब डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इलास्टिक का मतलब डिमांड फेवरेबल रहा, काफ़ी अच्छा चेंजेस हमें डिमांड में देखने मिला प्राइस के चेंज होने के वजह से स्टूडेंट। ओके, तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला परफेक्ट इलास्टिक, ये बहुत इजी है स्टूडेंट इसे याद रखने के लिए। ये हमारा यूनिटरी, यूनिटरी मतलब बोल सकते हैं मिडल वैल्यू। ठीक है ना, ये यूनिटरी है, इसके ऊपर दो परफेक्टली है और यूनिटरी के नीचे दो रिलेटिवली है। ठीक है, इसीलिए आप इसे समझ सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, चलिए लेट्स सी। फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वेयर वैल्यू ऑफ ईडी इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट साइन कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, 10% फॉल इन प्राइस मे लीड टू इनफाइनाइट राइज इन डिमांड। हल्का सा प्राइस चेंज होना स्टूडेंट, थोड़ा सा किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया और उसका डिमांड अनलिमिटेड बढ़ गया, मतलब कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल यूज किया हुआ है। ठीक है ना, इनफाइनाइट चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड। ओके, इनफाइनाइट चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड क्या लिखा हुआ है? स्लाइटली, बहुत हल्का सा, या फिर जीरो चेंज, चेंज हुआ ही नहीं है और अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल है। और स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है वो खाली थियोरेटिकल है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। ओके, चलिए इसका डायग्राम कैसा होगा वो हम समझते हैं। डायग्राम के पहले हम फॉर्मूला कैसा होगा वो देख लेते हैं। ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और जब हम स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे को वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा इनफाइनाइट। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है ईडी इज ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। ग्राफिकली ये इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, एग्जाम में भी आपको ये प्रेजेंट करना है। ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला आपको, आंसर शीट के ऊपर ये ड्रॉ करना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बेसिस पे, एग्जैक्ट उनको नहीं चाहिए स्केल। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हेडिंग लिख देना आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड लिखना है और वाई एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट? जीरो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है ना, तो प्राइस है उतना का उतना ही है, और क्या हो गया? डिमांड इनफाइनेटली बढ़ गया। इनफाइनेटली क्या हो गया स्टूडेंट? बढ़ गया। ओके, तो इससे हम ग्राफ में इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो आप देख सकते हो प्राइस में इनफाइनेट चेंज आपको देखने मिलेगा। ओके, ये स्टॉप नहीं हो रहा है, नेवर एंडिंग है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता ही रहेगा। ओके, तो प्राइस चेंज नहीं हुआ बट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, पहले डिमांड, ये डिमांड यहाँ से बढ़ता 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 ही जा रहा है,
तो स्टूडेंट ये केस में आपको क्या एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, आपको मेजर कॉलम्स में आ सकता है, ट्रू ऑफ फॉल्स में आ सकता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व, ये जो डी डी है स्टूडेंट ये क्या हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू, ठीक है ना। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है स्टूडेंट ये एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है। ओके चलिए आगे मूव करते, आगे नहीं पहले हम इसे ग्राफ को एक्सप्लेन कर देते हैं। इन फिगर द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, या फिर आपको सिचुएशन दिया जाएगा कि भाई जो हमने डिमांड कर्व बनाया है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, बताओ कौन से टाइप का डिमांड है ये, ठीक है। तो आपको लिखना है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ओके तो जब कभी भी डिमांड कर्व एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा तो वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट सेकेंड टाइप, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वेयर ई डी इज इक्वल टू जीरो। चलिए देखते हैं क्या है। वेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस ड्रास्टिकली कम हो गया बट क्वांटिटी पहले जितना बिक रहा था अभी भी उतना ही बिक रहा है स्टूडेंट, क्वांटिटी पे उसका कोई असर नहीं हुआ, ठीक है ना। क्वांटिटी चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ ये केस में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है ईडी का स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, करेक्ट। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बरोबर। यहाँ पे जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, पहले जितना डिमांड हो रहा था अभी भी उतना हो रहा है, तो चेंज कितना हो रहा है जीरो, और प्राइस कितना रिड्यूस हो गया 20%। तो अब जब जीरो को 20% से डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो आपको ईडी का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ईडी इक्वल टू जीरो। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के केस में वैल्यू ऑफ ईडी इज ऑलवेज जीरो। ओके इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रेयरली अकर, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट मिल्क, ठीक है। सॉल्ट और मिल्क के केस में हम ये नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस कम होगा तो भी लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो भी लोग कम बाय नहीं करेंगे, जितना चाहिए उतना ही वो बाय करना प्रीफर करते हैं इस केस में। ओके चलिए आगे देखते हैं। ग्राफिकली हम इसे इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लिख देंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल टू जीरो। ओके फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। ओके यहाँ पे दोनों सिचुएशन दिया हुआ है स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल केस है। ओपी ओपी जो है स्टूडेंट वो क्या मेरा ओरिजिनल केस है। तो पहले केस में हम ओपी वन देखेंगे, जब प्राइस बढ़ गया स्टूडेंट, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया बट डिमांड कम हुआ क्या, नहीं, डिमांड जितना था उतना का उतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट केस हम देखिए, ये हमारा ओरिजिनल है, पी के हमारा ओरिजिनल है, ठीक है ना, ओरिजिनल प्राइस है। जब प्राइस घट के ओ पी टू हो गया स्टूडेंट, कितना हो गया, ओ पी टू, प्राइस घट गया तो भी आप देख सकते हो डिमांड में कोई चेंज नहीं, पहले जितना डिमांड हो रहा था अभी भी डिमांड उतना ही हो रहा है, डिमांड में कोई चेंजेस हमें देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे ई डी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आपको प्रेजेंट करना है एग्जाम में भी। ओके तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, और ये जो एरो से स्टूडेंट ये इंडिकेट कर रहे हैं राइस और ये डिक्रीज, ठीक है। तो प्राइस के बढ़ जाने के बावजूद भी या प्राइस के कम होने की वजह से भी डिमांड पे कोई असर नहीं होता स्टूडेंट। ओके ठीक है। और स्टूडेंट ये जो डिमांड कर्व है डी डी, इस केस में इन इलास्टिक डिमांड के केस में डी डी डिमांड कर्व हमेशा वाई एक्सिस से क्या होगा स्टूडेंट, पैरेलल होगा, ठीक है। वाई एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। इलास्टिक डिमांड में डी डी एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में डी डी वाई एक्सिस से पैरेलल होगा। तो परफेक्टली जब वर्ड आएगा स्टूडेंट तो वहाँ पे लाइन पैरेलल सी आएगी, ठीक है, आपको याद रखना है। खाली परफेक्टली केस में क्या होगी, लाइन्स पैरेलल होगी। तो परफेक्टली इलास्टिक में एक्स एक्सिस से पैरेलल, परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में जो लाइन होगी डिमांड का वो वाई एक्सिस से पैरेलल होगी। चलिए आगे देखते हैं। इन फिगर व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी वन और फॉल फ्रॉम ओपी टू ओपी टू, डिमांड रिमेन अनचेंज एट ओक्यू, देयरफॉर द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस
इंडिकेटिंग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओरिजिनल प्राइस अपना ओपी था, ओपी से ओपी वन हो गया बढ़ गया, या ओपी से ओपी टू हो गया घट गया, बढ़े या घटे उसका कुछ भी इम्पैक्ट डिमांड पर नहीं होता स्टूडेंट। और ये केस में डिमांड का वाई एक्सिस से पैरेलल होता है। चलिए मूविंग फर्दर, थर्ड यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वेर वैल्यू ऑफ ईडी इज वन। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, देन द डिमांड इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल 50% इन फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड टू 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसी कमोडिटी का प्राइस स्टूडेंट 50% कम हो गया, जिसके वजह से जो डिमांड था वो 50% क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब क्या है स्टूडेंट, प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब ही होता है जितना प्राइस कम हुआ उतना ही डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। वैसे भी इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो प्राइस जितना कम होगा डिमांड उतना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा जब केस होता है स्टूडेंट तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, ईडी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस विच इज 50/50 विच गिव मी वन। तो ये केस में मेरा जो वैल्यू होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या होगा, वन, ठीक है। ग्राफिकली हमें कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो लाइन है आप देख सकते हो ये वाला क्यू और पी, ठीक है, क्यू पी मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। क्या है स्टूडेंट, ओरिजिनल डिमांड कर्व है। ओके, और जो डॉटेड लाइन है वो मुझे चेंजेस बता रही है। क्या बता रही है, डॉटेड लाइन चेंजेस, ठीक है। जब ओरिजिनल डिमांड जब कम हो जाएगा स्टूडेंट, ओपी जब मेरा ओपी वन हो जाएगा, ठीक है, ओपी वन क्या मेरा फॉल इन प्राइस, ठीक है। जब ओपी मेरा ओपी वन हो जाएगा स्टूडेंट तो वो केस में डिमांड मेरा बढ़ जाएगा, ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाएगा। डिमांड कितना हो जाएगा, ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाएगा, ठीक है। तो जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। ओके, इन फिगर वेयर प्राइस फॉल फ्रॉम ओपी टू ओपी वन 50%, डिमांड राइजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन 50%। Therefore, the slope of the demand curve is rectangular hyperbola. तो स्टूडेंट ये जो डिमांड कर्व बन रहा है हमारा, ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके स्टूडेंट, ये डिमांड कर्व को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, चलिए मूविंग फर्दर, अभी परफेक्टली कंप्लीट हो गया, यूनिटरी कंप्लीट हो गया, अभी हम मूव करेंगे रिलेटिव की तरफ। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड के केस में स्टूडेंट वैल्यू ऑफ ईडी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन वन। इसका मतलब क्या, प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ और डिमांड ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है ना। प्राइस थोड़ा से कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, प्राइस के मुकाबले। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देन द डिमांड इज सेट टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लेड टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितना चेंज हुआ स्टूडेंट, 50, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, कितना बढ़ गया, प्राइस 50% फॉल हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 100% हो गया, प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है ना, मोर देन प्रोपोर्शनेट। जो चेंज इन डिमांड हुआ प्राइस के फॉल होने से, जो चेंज इन डिमांड हुआ क्या हुआ, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज देन प्राइस, प्राइस के जितना चेंज हुआ उससे कई गुना ज़्यादा डिमांड का क्वांटिटी चेंज हुआ स्टूडेंट, तब हम कहेंगे वैल्यू ऑफ ईडी इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। हम फाइंड आउट भी करके आपको बताते हैं, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 100/50 विच गिव्स मी टू एंड वैल्यू ऑफ ईडी इज ग्रेटर देन वन। तो आप बोल सकते हैं जो ईडी का वैल्यू है वो वन से ज़्यादा है, ठीक है। जब भी वैल्यू आपका ईडी का वन से ज़्यादा होगा तो वो इंडिकेट करेगा वो रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है, क्या, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। ओके, ग्राफिकली हम इसे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, हेडिंग दे देंगे रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, ठीक है। ये जो क्यू पी आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा ओरिजिनल सिचुएशन है। ओके, और जो डॉटेड लाइन प्रेजेंट किया हुआ स्टूडेंट ये हमारा चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओ पी, जो घट के कितना हो गया, ओ पी वन। ओके, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड कितना था, ओ क्यू, जो बढ़ के कितना हो गया, ओ क्यू वन, करेक्ट। तो
तो आप देख सकते हो प्राइस जितना चेंज हुआ उससे कई गुना ज़्यादा क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गया। इस केस में हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ ईडी इज ग्रेटर देन 1। ओके, इन फिगर व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम ओपी टू ओपी 150%, डिमांड राइजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू 100%, देयरफॉर द डिमांड कर्व इज फ्लैटर स्लोप। और ये केस में आप देख सकते हो जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो कंपेरेटिवली क्या स्टूडेंट फ्लैटर है, क्या एकदम फ्लैटर स्लोप है। ओके, नाउ लास्ट रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड वे वैल्यू ऑफ ई डी इज लेस देन 1, ई डी का जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या होगा 1 से कम होगा। ठीक है, वैन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रपोर्शनल चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड, डिमांड इज सेट टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड टू 25% राइज इन क्वान्टिटी डिमांडेड। तो प्राइस कितना फॉल हुआ स्टूडेंट, सिर्फ 50% ही प्राइस फॉल हुआ, बट डिमांड कितना राइज हुआ 25% हुआ, कंपेरेटिवली कम। प्राइस जितना फॉल हुआ उतना डिमांड राइज नहीं हुआ, उससे कम हुआ। ठीक है, तो वो केस में जो डिमांड होगा वो कैसा होगा, इन इलास्टिक। ओके, ई डी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी कितना राइज हुआ 25, तो चेंजेस हुआ 25। ठीक है, प्राइस कितना हुआ 50%, तो चेंज हुआ अपना 50। जब हम इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट वैल्यू कितना मिलेगा 0.5, विच इज लेस देन 1। तो कोई भी वैल्यू ई डी का जब 1 से कम आएगा स्टूडेंट तो हम क्या कहेंगे उसका रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, क्या कहेंगे रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। ओके, ई डी इज लेस देन 1, ग्राफिकली से हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे रिलेटिव इलास्टिक डिमांड इज ई डी इज लेस देन 1। ठीक है, ये जो क्यू पी है स्टूडेंट वो क्या हमारा ओरिजिनल केस। ठीक है ना, अभी आप देख सकते हो प्राइस क्या हो गया कम हो गया, प्राइस क्या हो गया किसी कमोडिटी का कम हो गया, बट क्वांटिटी में उतना जितना प्राइस कम हुआ उतना ही इम्पैक्ट क्वांटिटी पे नहीं गिर रहा, उससे कम गिरा, जितना प्राइस चेंज हुआ उसके मुकाबले क्वांटिटी कम चेंज हुआ। ओके, तो वो केस में कहेंगे हम ई डी इज लेस देन 1, ई डी इज लेस देन 1। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम ही स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड बताना है आपको, वाई एक्सिस पे प्राइस बताना है। ओके, चलिए ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इन फिगर व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम ओपी टू ओपी 1 दैट इज 50%, डिमांड राइजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू 1 दैट इज 25%, देयरफॉर डिमांड कर्व हैव अ स्टीपर स्लोप। ये केस में स्टूडेंट जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, स्टीपर होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, स्टीपर स्लोप होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे 5 टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।